9 माह से जिले के लिए अबूझ पहेली बने कोरोना वायरस के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत शनिवार को हो गई। जिले के 6 अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। जिला अस्पताल में मुख्य कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, डीएम के विजयन पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी और CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे और SIC डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने सुना। इसके बाद 11:19 पर पहला टीका जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे को लगाया गया। टीका लगने के बाद डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व और खुशी का क्षण है। उन्होंने बताया कि प्रतिरक्षित लोगों को COVID-19 टीके की अगली डोज के लिए 15 फरवरी की तारीख दी गई है। इसके लिए उनके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। इससे पूर्व 10:40 पर महिला अस्पताल में SIC डॉक्टर माला सिन्हा को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। वहीं BRD मेडिकल कॉलेज में 11:28 पर मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राय को पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर DK श्रीवास्तव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वाणी आदित्य मौजूद रहीं। इसी तरह पिपराइच CSC पर 9:30 पर पहला टीका डॉक्टर शकुंतला राय को लगाया गया। सहजनवा में 10:40 पर पहला टीका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी विक्रम प्रसाद को लगाया गया। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोरोना वायरस की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विश्व में तबाही मचाने वाले COVID-19 वायरस जैसी विकराल समस्या का अब समाधान निकल चुका है। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 6 अस्पतालों में भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में टीके को लॉन्च किया गया है। जिले को वैक्सीन की 28,130 डोज मिली है। आपको बता दें, शुक्रवार को दिन में कोविन पोर्टल का सर्वर फेल होने की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों को मैसेज नहीं गया। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से सूची तैयार की थी, लेकिन देर रात 11 बजे के बाद सर्वर ठीक हुआ तो रात में 2 बजे के करीब स्वास्थ्य कर्मियों को मैसेज जाने लगा। इस पर कोविन पोर्टल के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की शुरुआत हुई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जो सूची कोविड टीकाकरण के लिए तैयार की थी उसमें CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे और IMA अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों के नाम शामिल किया गया था, लेकिन जब कोविन पोर्टल का सर्वर काम करने लगा तो इन लोगों के नाम सूची से गायब हो गए। इसकी वजह से इन्हें टीका नहीं लगाया जा सका, जबकि यह लोग टीका लगवाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज पांडे, डॉक्टर राजेश सिंह, महिला अस्पताल की SIC डॉक्टर माला सिन्हा, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, CDO इंद्रजीत सिंह और DM के विजयन पांडियन ने कहा। से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद कि कोरोना और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच, इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाए, ये सब मत करिए। मैं प्रार्थना करता हूं मत करिए। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं, जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना। साथियों, चलिए भारत का टीकाकरण अभियान कंफर्म कर लिया, वहां पर जाना बड़ा है। और इसलिए तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथ ही और दूसरे फ्रंटलाइन मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी, अंजलि भी
देखा अरे कोरोना प्रभाव 2 0 1 5 9 9 मतलब नहीं चलेगा आप मैम थोड़ा सा पीछे ये सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए और हमको लगते हुए थोड़ा ओरिजिनलिटी होना चाहिए फोटो खिंचाने के लिए नहीं हो रहा सर छपेगा नहीं तो लोग जानेंगे कैसे कॉटन कॉटन नहीं वैक्सीनेशन कार्ड आइए आइए सर आइए कैमरा नीचे करो ना नीचे करो बनाओ लिंक तो कर रहे अब इनको बगल वाली हाँ 2 0 1 5 9 हार्दिक यादव लीजिए वो अधिकारी भी आ गए सिस्टर सर आज आपको कोविड सीट का टीका लगाया गया है दूसरी बात इस टीके से कोई सलाह या हेल्पलाइन नंबर 1 0 0 कॉल करें तीसरी बात इस टीके की दूसरी डोज या समय कब आपको लगेगा इसकी सूचना आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस द्वारा दे दी जाएगी चौथी बात इस टीके को लगने के बाद आप ये मत सोचिएगा आप पूर्ण रूप से सुरक्षित है फिर भी आपको मास्क लगाना है हाथ को सैनिटाइज करना है 2 गज की दूरी बना के रखना है सर ये आपके कार्ड आपको 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखना है
अरुण कुमार सिंह मुझे इस बात की खुशी है कि गोरखपुर में पहला टीका मुझे लगा है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी होने के नाते मुझे ही पहला टीका लगना भी चाहिए था ताकि लोगों का एक विश्वास इस टीके के प्रति बने। इस टीके को लगाने के बाद कोई आपको दिक्कत हुई या? लगभग 20-25 मिनट हो गए, अब तक कोई दिक्कत नहीं। कितना सुरक्षित है ये टीका, आप क्या कहना चाहेंगे? टीका नया है और अब तक जो स्टडी है उसके हिसाब से बिल्कुल सुरक्षित है। इस तरह की तकनीक पर हम पहले भी कई टीके लगाते रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं, वो सारे टीके सुरक्षित हैं और इसलिए इस टीके की सुरक्षा के संबंध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं सर, इसको लेकर देखिए, अफवाहें फैलती रहती हैं, मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी जानकारी बढ़ाएं, सही चीज़ से अवगत हों और जब आपको सूचना मिले कि आपको टीका लगने वाला है तो आकर जरूर से जरूर टीका लगवाएं। टीका करने के बाद आपको कुछ सुझाव भी दिए गए? टीका लगने के बाद 4 संदेश देने का नियम है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें अगला टीका कब लगेगा, ये सारी बातें हम मुझे स्टाफ नर्स ने भी बताई है। जैसे सामान्य टीके होते हैं वैसे ये भी टीका है, टीका लगाए हुए हमको करीब 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में क्या? नहीं नहीं, अफवाहों पे ध्यान ना दिया जाए, यह जो भी वैक्सीन कोविड का आया है परीक्षण करके आया हुआ है और जैसे अन्य सामान्य टीकों के साथ जो दिक्कतें होती हैं वो इस वैक्सीन के साथ भी है। हल्का सर बदन दर्द, बुखार, जहाँ पे टीके लगे वहाँ पे दर्द, वो हर टीके के साथ होता है, इसके साथ भी हो सकता है। अफवाह पे ध्यान ना दिया जाए, जिसका जब भी टर्न आए, जब भी आपको बुलाया जाए, सूची में आपका नाम है, आ करके लगवाएं और इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। टीकाकरण के दौरान आपको कुछ सुझाव भी दिए गए? हाँ, टीकाकरण के दौरान यही सुझाव दिए हैं कि आधा घंटा अपने आप को एक जगह बैठे, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो तुरंत संपर्क करें और अगला डोज कब लगेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगला डोज कब लगाया जाएगा? 15 फरवरी को बोला गया लगाने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि पहला टीका लगाया लोग, इसके पहले मैं भी थोड़ी भयभीत थी कि सभी बोल रहे थे कोई लगवाओ नहीं लगवाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीका लगवाने के बाद मैं मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रहने के बाद मैं अपना काम कर रही, ड्यूटी कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल तरह अच्छी तरह जो है 100% सुरक्षित है। इसके अभी तक करीब 30 लाभार्थियों को लग चुका है और किसी को भी कोई अभी तक कोई एडवर्स रिएक्शन की कोई सूचना नहीं मिली है, तो पूरी तरह सुरक्षित है। जिनका भी नाम आए, मैसेज आए उनके मोबाइल पर, तो वो ज़रूर जाकर लगवाएं। मैम, इस टीका को लेकर जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये टीका लगने के बाद इन तरह की दिक्कतें होंगी या ये परेशानी होगी, तो ऐसा क्या कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर ने काफ़ी रिसर्च के बाद, ट्रायल के बाद तब इसे आम जनता के लिए लॉन्च किया है, तो ये कभी असुरक्षित हो ही नहीं सकता है और हमें अपने वैज्ञानिक और अपने डॉक्टर पर विश्वास करना चाहिए और ज़रूर लगवाएं, पूरी तरह सुरक्षित है। मैम, टीकाकरण के बाद आपको कुछ सुझाव भी दिया गया है? हाँ, 5 सुझाव दिए गए हैं। मुझे पहले तो ये बताया गया कि आपको COVID-19 का टीका लग रहा है और उसके बाद मुझे 30 मिनट हमें बोला गया ऑब्जर्वेशन रूम में बैठने के लिए। मुझे एक कार्ड दिया गया जिस पर कौन सा टीका किस कंपनी की लगी है, जैसे अभी यहाँ कोविशील्ड का लग रहा है,
तो वो दिया गया और कोई भी एडवर्स रिएक्शन होने पर मुझे एक मोबाइल नंबर दिया गया है जिस पर कि मैं मुझे सूचित करना है। हमारे डॉक्टर जो है ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे हुए हैं कि किसी को भी अगर कोई तरह का रिएक्शन होता है तो तुरंत उसका उपचार हो जाएगा। मैम आज आपके महिला अस्पताल में कितने लोगों को टीकाकरण होना है? टोटल तो 100 का होना है, जिनको मैसेज गया है वो आ रहे हैं, लगवा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों का टीकाकरण हो चुका है? करीब 30 लोगों का हो चुका है। गोरखपुर ज़िले में 6 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें जिला महिला चिकित्सालय ये है जहां पर हम लोग खड़े हैं, और जिला पुरुष चिकित्सालय बीआरडी मेडिकल कॉलेज, 3 पीएससी पर चल रहा है जिसमें से कैंपियरगंज हमारी पीएससी है, दूसरी पी सहजनवा और तीसरा पिपराइच। हर सेंटर पर 100-100 लोगों का टीकाकरण होना है। इनमें सभी स्वास्थ्यकर्मी ही हैं जिनका टीकाकरण चल रहा है। अभी हमने हर जगह बात किया, जानकारी पता चला कि सब जगह टीकाकरण चल रहा है, किसी कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना की कोई शिकायत नहीं, सब लोग उत्साहित हैं, अपना अपना टीका लगा रहे हैं। टीकाकरण के दौरान किस तरह से सावधानियां बरती जा रही हैं? अब वही पुरानी सावधानियां, जो मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है, और जिसका नंबर है उसी को टीकाकरण होना है। जिनको टीकाकरण जिनका हो रहा है उनको क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? अभी भी वो जब तक पूरा सेकेंड डोज इम्यूनाइज नहीं हो जाते हैं तब तक वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ की सफाई करना, भीड़ भाड़ इलाके में न जाना, ये सब का पालन उनको करना है। सर दूसरे टीकाकरण की डेट कब निर्धारित हुई? टीका दूसरे 15 फरवरी डेट निर्धारित की गई। आज जिन्होंने टीका लगाया है वो 15 फरवरी को फिर टीका लगवाएंगे। ये टीकाकरण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है, अपने देश की बनी वैक्सीन है, और जितने लोग अभी तक वैक्सीनेशन करवाए हैं उनसे हम लोग मिल के आए हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं, कोई परेशानी नहीं है, और ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज ही की डेट में सब जगह टीकाकरण का कार्य हो रहा है। अब शाम तक इसकी समीक्षा की जाएगी कितने लोग वैक्सीनेट हुए, और अभी तक यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं किसी को। सर एक सेंटर पे कितने लोगों के टीकाकरण? 100-100 लोगों का हर सेंटर पे आज शुरुआत में लग रहा है। सर कितने सेंटर पे लगाया जा रहा है? यहाँ गोरखपुर में 6 सेंटर पे लग रहा है। सब जगह सर अभी तक जो टीकाकरण चल रहा है वहाँ तो कोई सूचना इस तरह की नहीं, किसी कोई अपनी सूचना नहीं है, सब जगह ठीक से चल रहा है कार्यक्रम। ये हमारे लिए एक आलादित होने का क्षण है। हमने कोरोना से लड़के जीत पाई है और अब कोरोना के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। साल भर ये अभियान चलेगा और हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि न सिर्फ हमने कोरोना पर बहुत बढ़िया नियंत्रण तब किया था जब कोरोना आया था, बल्कि इस सुनियोजित टीका पद्धति के माध्यम से हम बहुत बेहतर नियंत्रण करने जा रहे हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारियों का और अस्पताल के अधिकारियों को बहुत बधाई दूंगा, बहुत सुंदर और बहुत सुरक्षित व्यवस्था उन्होंने की है, और मैं नागरिकों को आश्वस्त कर सकता हूं कि इस टीके में कहीं कोई खतरा नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। जब जब उनको सूचना दिया जाए वो खुद आएँ, टीका लगवाएँ, और लेकिन सावधानी ये रखें कि आने वाले 1-8 साल तक अभी उनको मास्क भी चाहिए और 2 गज की दूरी भी चाहिए। ये न मन में आए कि टीका लग गया तो अब हम स्वतंत्र हो गए, हमें सावधानी लेनी होगी जब तक कि देश के हर नागरिक को टीका न लग जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में जो वैक्सीनेशन की शुरुआत की है कोरोना वैक्सीन की, उसी में आज हमारे यहाँ एडिशनल CMO डॉक्टर NK पांडे जी ने पहला वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लिया है, और वो सर्विलांस ऑफिसर भी हैं और उनके द्वारा इंजेक्शन लग चुका है और बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मतलब बहुत अच्छा सेफ इंजेक्शन है जो कोविड के लिए, कोरोना के लिए लगाया गया। ये अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं इसको लेके भी क्या पहल कर रहे हैं? जो अफवाहें हैं, अफवाहें फैलाना अपने आप में एक अपराध है। इसकी जो भारत सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है इसको बहुत जो इसकी स्टडीज़ है वो सब वेब पे भी है, ICMR ने भी दिया है, तो कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सख्त। पूरे प्रदेश में सुबह से 11 बजे से हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिए। गोरखपुर में भी यहाँ जिला अस्पताल में हम लोग कहाँ खड़े हैं यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ का पहले वैक्सीनेशन हमारा एडिशनल CMO साहब पांडे जी ने लिए हैं और बिल्कुल सेफ वैक्सीन है,
ये टैल ट्रस्टेड के बाद हम लोग को मिला है। ये पहले शुरुआत हम लोग सीएमओ के जरिए से कर रहे हैं ताकि ये जो बहुत सारे अफवाहें गलत फहमियाँ हैं इसे तोड़ने के लिए है। यहाँ जिला का जो हेल्थ टीम जो लीड करते हैं वही ऑफिसर का पहला टीका लगाया है, उसके बाद 30 मिनट का उनके इंतज़ार कराते हैं हम लोग वेटिंग में, उसके बाद 28 दिन के बाद उनका दूसरा डोज बूस्टर डोज कहते हैं वो लगाएंगे हम, उसके बाद कम से कम तो 2 सप्ताह उनका सेफ्टी रहना होगा। और हमेशा ये जो वैक्सीनेशन तो आ गया है बट हम लोग अति उत्साह में ये ना भूल जाएं ये मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज का दूरी और हाथ बार बार साफ करना, ये तीनों मूल मंत्र हमेशा हमें याद रखना होगा। आगे तब तक टीकाकरण लगेगा, लगने के बाद भी 2 महीने तक हम सतर्क रहना होगा, सावधानी बरतना होगा। एक अच्छा ऐतिहासिक फल है आज हम सभी लोग विटनेस कर रहे हैं। कोशिश करेंगे तो इस साल में कुछ ही महीने में जो ये कोरोना बीमारी इसी मिट्टी से मिट जाए। सर अफवाह से बचने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग? देखिए इसका पूरा रिसर्च पेपर भी ICMR साइट पे पड़ा है और वेब में भी पड़ा है। जो हम लोग का 2 वैक्सीनेशन यहाँ से भारत सरकार ने मंजूरी किए थे ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और इसका शुरुआत हम लोग इसलिए तो मेडिकल स्टाफ से लगा करके आपके सामने साबित कर रहे हैं। तो आप ही के साथ ही लोग का लगा रहे हैं, आपके पहले हम लोग मेडिकल स्टाफ का लगा करके वो आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं ताकि जो आपके साथ जो डॉक्टर है वही पहले कवर करेंगे ताकि वो बेहतर बता देंगे, उस पर कोई अफवाह का कोई मतलब नहीं है और कोई गलत फहमी का मतलब नहीं है। इसकी शुरुआत।